प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर एसपी नेता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान, दोनों को बताया आतंकवादी, बीजेपी ने जताई कड़ी आपत्ति। ये दोनों आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों आतंक फैला कर रहे हैं लोकतंत्र। पीएम के भेदभाव वाले बयान पर सियासी घमासान, कांग्रेस एसपी ने किया तीखा वार। फतेहपुर में मोदी ने कहा था रमजान पर बिजली तो दिवाली में भी आए। यूपी के रण में आज पीएम मोदी और राहुल आमने सामने, जालौन के उरई और इलाहाबाद के फूलपुर में प्रधानमंत्री मांगेंगे वोट। इलाहाबाद के हिंडई में भी राहुल गांधी का रोड शो। यूपी के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज, अखिलेश यादव आज करेंगे 7 रैलियां। सुल्तानपुर में मायावती मांगेंगी वोट, बस्ती अम्बेडकर नगर सुल्तानपुर में भी शाह की रैली। गुना में चुनावी हिंसा, बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला। कानपुर में बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में जमकर मारपीट। फिरोजाबाद में टुंडला रेल हादसे के बाद कई ट्रेनों का बदला गया रूट। मालगाड़ी से टक्कर के बाद कालंदी एक्सप्रेस के पटरी से उतरे 4 डिब्बे, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, आज सुबह भीड़ के बीच 25 साल के लड़के ने प्लेटफॉर्म पर चढ़ा दी कार, पुलिस ने हिरासत में लेकर ड्राइवर से की पूछताछ। हरिद्वार में मिली दिल्ली से लापता 4 लड़कियां, 16 फरवरी को स्कूल के बाद चली गई थी तीर्थ नगरी, पुलिस की सूचना पर लड़कियों को लेने के लिए पहुंचे पेरेंट्स।